आज हम देखेंगे किसी भी एपी के प्रथम एन पदों का योग। यदि किसी एपी में एन पद हैं, तो प्रथम एन पदों का योग, उसके लिए जो फॉर्मूला है वो है एस एन। एस एन का मतलब प्रथम एन पदों का योग, ये बराबर होता है एन बटा दो गुना टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, एन बटा दो इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बच्चों सबसे पहले तो आप ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, उसके बाद ही हम 5.3 एक्सरसाइज आज शुरू करने जा रहे हैं। इसका सबसे पहला क्वेश्चन इसी पर आधारित है कि निम्न एपी का योग ज्ञात कीजिए। हमें एक एपी दी गई है 2, 7, 12, 10 पदों तक, यानी कुल पहले 10 पदों का हमें योग निकालना है। इसमें आप ध्यान से देखिए, ए बराबर है एपी के प्रथम पद के, वो है 2, डी होगा दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दो, 7 - 2 = 5, एन क्योंकि 10 पदों का योग निकालना है इसलिए एन होगा 10। फॉर्मूला एक बार फिर से देख लीजिए, एस एन बराबर एन बटा दो इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी फार्मूला के आधार पर हम इसे हल करेंगे। एन है हमारे पास 10, 10 बटा दो इंटू टू इंटू ए किसके बराबर था देखिए 2 के, प्लस एन, एन था 10 माइनस 1 इंटू डी, डी हमारे पास आया था 5। इसे अब हम हल करेंगे। ये हो गया 10 को 2 से भाग करा तो हमारे पास आ गया 5। ब्रैकेट के अंदर 2 × 4 प्लस 10 में से 1 निकाला 9 गुना 5। इसे जब हम हल करेंगे 5 + 4 + 9 = 45, यानी 5 दो नंबरों के बीच में, इसके और ब्रैकेट के बीच में कोई निशान नहीं है, मतलब ये मल्टीप्लाई होंगे। 45 और 4 होता है 49, इन्हें अब हमें 5 से गुना करना है, 9 × 5 = 45, हासिल आया 4, 5 × 20 और 4 = 24। इसका मतलब प्रथम 10 पदों का योग कितना आ गया 245। इस प्रकार से हमें एक एपी दी हुई थी, हमने उसके 10 पदों का, प्रथम 10 पदों का योग निकालना था, तो n बटा 2 इंटू टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फार्मूला के हिसाब से हमने इन 10 पदों का योग निकाल दिया है जो कि आया है 245। आइए कुछ और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2, वो भी इसी प्रकार से हमें एक एपी दी गई है और हमें कहा गया है योगफल ज्ञात करो। तो 7 जमा ये दिया है 10 सही 1/2, हमने पहले भी सीखा है जो हर है उसको ऐसे ही लिख देते हैं, उसके बाद इस 10 को 2 से गुना करेंगे, 10 × 20, इस 20 में ऊपर वाला 1 प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ गया 21, यानी 10 से ही 1/2 को हम 21/2 भी लिख सकते हैं, प्लस 14 प्लस ये आगे इस प्रकार से 84 तक चलेगी। अब हमें सबसे पहले ए देखना है, ए है हमारे पास एपी का प्रथम पद 7, इसके बाद हमें देखना है डी, डी देखने के लिए हम दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 2 और 1 का लघुत्तम आ गया 2, 2 को 2 से भाग किया 1, 1 को ऊपर वाले 21 से गुना करेंगे तो 21, माइनस 2 को 1 से भाग किया 2, 2 को ऊपर 7 से गुना करेंगे तो 14, 21 में से 14 निकाले 7/2, इसका मतलब डी आ गया है हमारे पास 7/2। अब हमारे पास सबसे पहले ए एन दिया हुआ है 84, हमें नहीं पता इस एपी में कितने पद हैं, तो पहले हम एन निकालेंगे। ए एन दिया है 84, यानी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर है 84 के। अब हम यहां से एन निकालेंगे, ए है 7 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी है 7/2 बराबर है 84 के। यहां पर सबसे पहले
ये 7 यहाँ प्लस हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा 84 में से माइनस, और यहाँ बच जाएगा 9n-1 गुना 7/2। अगले स्टेप में 84 में से जब हम 7 निकाल देंगे तो ये आ गया 77, 7/2 इसके साथ गुना हो रहा है, 7 गुना हो रहा है तो इधर जाके हो जाएगा भाग, और 2 यहाँ भाग हो रहा है तो उधर जाके हो जाएगा गुना, 7 से 70 कट गया, 11 साते, तो यहां से हमारे पास n आ गया 11 × 22, 1 इधर माइनस हो रहा है तो उधर जाके हो जाएगा प्लस, तो n आ गया हमारे पास 22 + 1 = 23, n बराबर 23। तो इसका मतलब यह है कि हमें इस प्रश्न में जो हमें एपी दी गई है, इसमें ये 84 जो है ये इस एपी की 23वां पद है, 23वीं टर्म है, तो हमें पहले 23 टर्म्स का सम निकालना है, जोड़ निकालना है, यानी हमें निकालना है S23, ठीक है, उसका फार्मूला होता है n/2 × 2a + n-1 × d, n है 23, तो 23/2 × 2 × a, इस प्रश्न में आप ध्यान से देखेंगे तो a था 7 प्लस n है 23 − 1 × d, डी हमने बेटा यहां निकाला था, देखिए 7/2, इसे अब हम हल करेंगे, 23/2, 2 × 7 होता है 14 प्लस 23 में से एक निकाला 22 × 7/2, 2 से 22 कट गया 11, और 11 साते होता है 77, तो 23/2 × 14 + 11 = 77, इसे अब हम आगे हल करेंगे, 23/2 × 14 + 77 होता है 91, 2 से ये नहीं कट सकता तो हमें 23 को 91 से गुना करना होगा, 91 को 23 से गुना करते हैं, 3 × 1 = 3, 9 × 3 = 27, 2 × 1 = 2, 9 × 2 = 18, तो ये आ गया 3, 7 × 2 = 9, 8 × 2 = 10, 2093/2, ये आ गया इसकी प्रथम 23 टर्म्स का योग, यही हमें चाहिए था।